फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे अनिवासी। आज देखिए माँ का दूसरा दिन है नवरात्रि का, और मैंने कल से माँ तारा का कहते हैं ना, माँ तारा की शक्ति का काम चालू कर दिया है, पूजा चालू की है। क्योंकि इस बार हर बार जैसे हम दुर्गा सप्तशती का पाठ भी चालू है, लेकिन इस बार दुर्गा सप्तशती साथ मेरे गुरु कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि मैं मूर्ति बिठाने वाली हूँ। तो मैंने पहले ही कर दिया था अपने गुरु को कि आप मेरा पूजे का काम आप कर देना। तो वो कैसा है, सबके नाम से दुर्गा पाठ, दुर्गा जो नौचंडी पाठ होता है वो वहाँ पे करवा रहे हैं, दूसरी जगह चालू है, और यहाँ पे माँ तारा की शक्ति की साधना चालू है। माँ तारा की शक्ति की साधना से मैंने कल ही बताया था कि मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, हमेशा हमारे सारे काम सिद्ध होते हैं, दुनिया में नाम ऊँचा होता है, कर्ज खत्म होते हैं, पैसों की आवक, पैसे पानी के जैसे आते हैं, पैसे बारिश के जैसे बरसते हैं। और आज है शुक्रवार, आज शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, और सबसे बड़ा वशीकरण भी आज होता है। रावण ने एक वशीकरण बताया है जो महाभोलेनाथ का होता है, वो ब्लड से होता है। कहते हैं अपनी उंगली के अनामिका उंगली से खून निकाल के भोजपत्र पे दो जनों का नाम लिख के, और उसके बाद उसे शहद की बोतल में डुबा के रख दिया जाए, तो बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा पावर होता है कि सामने वाला खुद आपके पीछे 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 भागेगा। तो आज वो मैंने दो चार लोगों का काम लिया है, तो उन लोगों को काम करने वाली, तो आप सबको भी, क्योंकि ये आज के दिन नवरात्रियों में ही होता है, ये साल भर में आप कभी भी करो तो नहीं होता है। आज नवरात्रों का पहला शुक्रवार है, तो आज मैं ये काम करने वाली हूँ। आज कहते हैं ना कि खून शहद वशीकरण, मतलब कहते हैं ना रावण संहिता खून शहद वशीकरण, एक ऐसा वशीकरण है महादेव का कि वो वशीकरण इस दुनिया का कोई भी आदमी नहीं तोड़ सकता। आपका प्यार आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात नहीं करता है, आपको इग्नोर करता है, आपको छोड़ के किसी और के पास जाता है, ये वशीकरण ऐसा है कि वो खुद ब खुद आपके पास चल के आएगा, अपनी गलती मानेगा, सारी बात बताएगा। और अगर किसी ने कितना भी गंदा उस पर क्रिया, क्योंकि आज की तारीख में औरतों को आजकल कैसे है ना, इंस्टाग्राम पर भी बहुत गंदी गंदी चीज़ें बताते हैं कि ये कपड़ा जला के खिलाओ, ये सब बिल्कुल मत करो। मेरे साथ जो भी लोग वशीकरण करवाते हैं, मैं उनका वशीकरण नाम और फोटो से करती हूँ। मुझे तो नाम, फोटो, मोबाइल नंबर भी मिल गया ना, तो भी मैं सामने वाले का वशीकरण कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खिलाने पिलाने वाला काम नहीं करती हूँ, क्योंकि ये गलत बात है। भगवान ने अनाज हमें खाने के लिए दिया है, ये सब चीज़ों के लिए नहीं दिया, और अनाज में कभी भी गंदी चीज़ तो बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। माँ कामाख्या का भी प्रसाद होता है, हम उसे माथे पर तिलक लगाते हैं, किसी के खाने में कभी मिक्स नहीं करते। मैं सबको कहूँगी अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसकी वजह से ज़िंदगी में आगे आपको जाके भुगतना पड़े। क्योंकि देखिए बहुत सारी औरतें जो गंदा काम करती है ना, कि अपना ये सब कुछ भी गंदी चीज़ें खिला, अपने परिवार को, पति को मिला के खिलाती है ना, आगे आने वाले समय पे ऐसा होता है कि उनकी ज़िंदगी सबसे बेकार होती है, उन्हें गंदी से गंदी बीमारियां होती हैं, कहते हैं ना कुछ भी गंदी बीमारी होती है, आगे जाके शुगर हो गया, ये और अलग अलग बीमारी जो मतलब दवे पे ही जिंदा रहना पड़ता है। तो अभी कैसे ना, तो कहते हैं ना जब तक हम यंग रहते हैं, जवान रहते हैं, तब तक हमें ये सब चीज़ों का मज़ा आता है, लेकिन आगे जाके इसका दुख बहुत भुगतना पड़ता है। और जो हम दूसरों के साथ कहते हैं कर्मा इज़ बैक, जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही चीज़ हमारे साथ। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को भी अगर किसी को वशीकरण करवाना है तो आप लोग अपना नाम, फोटो, एड्रेस दीजिए, खर्चा दीजिए। आज के दिन ही होगा, ये रोज़ नहीं होता है, ये पूजा सिर्फ आज के दिन होती है। और आज रात को कहते हैं ना फ्राइडे पूरी होने के पहले, मतलब रात को 11 बजे के करीब ये पूजा की जाएगी। और ये पूजे में बस कुछ नहीं, आपको आपका और आपके पार्टनर का नाम देना है, आप दोनों की फ़ोटो देनी है, और जो भी इसका अमाउंट है वो देना है। और ये 24 घंटे में रिजल्ट है। और उसके बाद ये शहद की बोतल हम एक जगह रख देते हैं, ये जब तक ये शहद की बोतल पड़ी रहती है आजीवन तक इसका वशीकरण कोई नहीं तोड़ सकता। बहुत पहले मैं काम करती थी, मैंने कहा था मेरे पास बहुत सारी कॉल गर्ल्स आती थी ये सब काम करवाने। तो एक बार एक कॉल गर्ल आई थी जिसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए किया था, लेकिन उस पागल को मैं पहले उन लोग को ही शहद की बोतल दे देती थी, लेकिन वो लोग क्या करते थे, शहद की बोतल घुमा देते थे, फोड़ देते थे। और वो महान हंसी लड़की ने क्या कहता, शहद की बोतल खोल के उस शहद को उसको खाने का मन हो गया। और बाद में क्या हुआ, उसका बॉयफ्रेंड चला गया, फिर भाग कर आई शहद की बोतल लेके, नहीं नहीं माँ फिर से कर दो। लेकिन मैंने बोला कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये काम सिर्फ नवरात्रों में होता है, आज के दिन होता है, इसमें कोई गलती गंदी चीज़ नहीं है। अनामिका उंगली अपने हाथ की तीसरी कहते हैं अपने हाथ की चौथी उंगली को अनामिका उंगली कहते हैं, उसके ब्लड से, लेकिन वो ब्लड हम अपना मतलब गुरु यूज़ करेगा। आपके प्यार का वशीकरण मैं अपने ब्लड से करूँगी, जिससे आपका भोजपत्र पर नाम लिखा जाएगा, दोनों का नाम लिख के वश में किया जाएगा। और आपको यकीन नहीं है तो आप रावण संहिता में वशीकरण देखिए, महादेव वशीकरण, आपको पता चलेगा जो मैं बता रही हूँ गलत है कि सही है। ये वशीकरण इतना पावर में होता है कि इसको कोई नहीं तोड़ सकता, जैसे लूना चमारी वशीकरण को कोई नहीं तोड़ सकता,
लूना चमारी में 7 दिन में असर होता है, ये 24 घंटे में होगा। जैसे ही आप करेंगे वैसे ही सामने वाले का फोन आ जाएगा, आपको सामने वाला आपसे बात करेगा, और उस पर सामने वाले ने कितनी भी गंदी चीज़ क्यों ना की हो, क्योंकि आज की तारीख में औरतें कहते हैं ना, प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकती हैं, अपने आप को अपना गंदा खून छोड़ो वो कुछ भी खिला सकती हैं। ऐसी औरतों का तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन उसका वशीकरण आपको पावर देगा। ये वशीकरण ऐसा होगा कि किसा कितना भी ब्लैक मैजिक किया हो, कुछ भी किया हो, सब तोड़ के आपके प्यार को आपके पास ला के देगा। तो आज का दिन बिल्कुल मिस मत कीजिए और ये वशीकरण करवाइए, ठीक है। जय माता दी।